हे गाइस, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक 9 रुपये के स्टॉक के बारे में, जिसने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है Q4 के नतीजे। कंपनी का नाम है सूरत ट्रेड एंड मर्चेंटाइल लिमिटेड। इसका जो पुराना नाम है सूरत टेक्सटाइल करके कंपनी का पुराना नाम था। तो कंपनी ने कल के दिन पेश किए अपने Q4 के नतीजे, यानी Q4 का रिजल्ट। तो छोटे कंपनी के लिए, स्पेशली पेनी स्टॉक के लिए, कंपनी के नतीजे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर कंपनी को बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखता है तो स्टॉक में लगातार तेजी आने के चांसेस है। तो देख लेते हैं एग्जैक्टली कल के दिन क्या हुआ है और कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं, कल के दिन 24 मई था और कंपनी ने 2 से 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए BSE के एक्सचेंज के ऊपर। तो आप लोग भी वहाँ पे जाके जो रिजल्ट है आराम से पढ़ सकते हैं। तो जस्ट एक ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आंकड़े आप लोगों को दिख रहे हैं वो है लैक्स में, मतलब बहुत बड़े बड़े आंकड़े रहते हैं बैलेंस शीट में या फिर जो रिजल्ट शीट में। तो यहाँ पे जो पहला कॉलम दिख रहा है वो है इस बार का Q4 का रिजल्ट, जो मिडल कॉलम है वो है प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट, जो लास्ट कॉलम है वो है प्रीवियस ईयर का Q4 का रिजल्ट। तो Q2 और ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो टोटल इनकम से स्टार्ट कर लेते हैं। तो टोटल इनकम मतलब होता क्या है, टोटल रेवेन्यू, यानी कंपनी ने कितना बिजनेस किया मार्केट में और कितना पैसा कमाया कस्टमर से। तो इस बार का जो टोटल इनकम है वो है लगभग 1859, जो आंकड़ा लैक्स मतलब बहुत ही बड़ा है। लास्ट क्वार्टर में था 1996 और लास्ट ईयर के Q4 में था 1497। तो आप लोग चेक कर सकते हैं जो टोटल इनकम है कंपनी का, Q2 थोड़ा बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो ईयर टू ईयर जो कंपनी का टोटल इनकम है उसमें जंप देखने के लिए मिल रही है। एक अच्छा साइन है, ईयर टू ईयर कंपनी का टोटल इनकम बढ़ा है। अब जान लेते कंपनी ने खर्चे कितने किए, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस मतलब खर्चे रहते अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एम्प्लॉय की सैलरी, ये सब कुछ टोटल एक्सपेंसेस में आता है। तो इस बार का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो है लगभग 1580, लास्ट क्वार्टर में था 1585 और लास्ट ईयर के Q4 में था 1431। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कंपनी का जो खर्चा है Q2 कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं, सिर्फ 5 लाख का यहाँ पे कम किया है कंपनी ने खर्चा, लेकिन देखा जाए तो ईयर टू ईयर कंपनी का खर्चा ज़्यादा हुआ है। तो इतने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, माइनर चेंजेस है टोटल एक्सपेंसेस में। अब जान लेते बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है टोटल नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, यानी कि कंपनी को सब कुछ खर्चे देने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बच रहा है। तो इस बार का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो है 191, यानी 190 लाख, और लास्ट क्वार्टर में था 257 और लास्ट ईयर के Q4 में था, कंपनी को घाटा हुआ था 99 लाख का। तो यहाँ पे Q2 देखा जाए तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट दिख रही है, लेकिन ईयर टू ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जंप देखने के लिए मिल रही है ईयर टू ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी को घाटा हुआ था लेकिन इस बार के Q4 में कंपनी को बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। तो देखा जाए तो जो कंपनी के रिजल्ट है ओके रिजल्ट ऐसा बोल सकते हैं, इतने भी कुछ खास नहीं, इतने भी कुछ बुरे नहीं। तो कल की जो इंटरेस्टिंग बात रहेगी, जैसे कल के दिन बाजार खोलेगा यहाँ पे स्टॉक का प्राइस क्या रिएक्ट करता है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को रिजल्ट अच्छे लगेंगे क्योंकि Q2 कंपनी का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत गिरा है, लेकिन ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया। तो मंडे के दिन देख लेते क्या रिएक्ट करता है स्टॉक का प्राइस रिजल्ट के ऊपर। ये तो था आज के वीडियो यहाँ पे सूरत ट्रेड मर्चेंटाइल लिमिटेड के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते।